इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड और इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान से स्केल ऑन व्हील संकल्पना के तहत कौशल्य वाहिनी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों किया गया। गौरतलब है कि वर्तमान युग में डिजिटल साक्षरता काफी आवश्यक है, लेकिन कई बार डिजिटल ज्ञान न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के युवा आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो वहीं उन्हें डिजिटल शिक्षा का प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल पाता है, जिसके मद्देनजर सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड और इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान से स्किल ऑन व्हील संकल्पना के तहत कौशल्य वाहिनी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों किया गया। इस समय विशेष रूप से सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल एवं ICE सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर SL स्वामी आदि उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस उपक्रम की सराहना की, तो वहीं भविष्य में कार्य करने के लिए डिजिटल साक्षरता को काफी आवश्यक बताया। इस उपक्रम द्वारा एक स्केल बस ग्रामीण क्षेत्रों में घुमाई जाएगी, जहां युवाओं को संगणक ज्ञान प्रदान किया जाएगा, जिसके भविष्य में अभियांत्रिकी क्षेत्र में छात्र आगे बढ़ पाएंगे। और उपस्थित भाई और बहनों, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स सोसाइटी दोनों ने मिलकर डिजिटल साक्षरता को महत्व देने के लिए ये स्किल्स ऑन व्हील्स कौशल्य वाहिनी इस प्रकल्प की शुरुआत की है। मुझे विश्वास है कि विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में जाकर जो विज्ञान के बारे में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के मन में इसका स्किल डेवलपमेंट होने से उनको रोजगार मिलेगा। हमारा देश उन भाग्यवान देशों में से है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा यंगेस्ट टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैनपावर हमारे देश में है, और इन सब का योगदान देश के विकास में भी है। देश का एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, देश में ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान के आधार पर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने बहुत ही बिजी टाइम में से हमें आशीर्वाद देने के लिए टाइम निकाला, और आपके मार्गदर्शन में हम हमेशा काम करते हुए आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आप के अपने शहर नागपुर में और इसके आसपास जो रूरल एरिया है, हम वहां पर डिजिटल लिटरेसी, जो हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक सपना है, के ऊपर ये इनिशिएटिव है जो सोलार के सपोर्ट से हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अभी हमारा अगले 3 महीने में लगभग 1200 बच्चों को ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम है, जिसमें हम बेसिक इंटरनेट से लेके और साइबर सिक्योरिटी तक उनको बेसिक जो नॉलेज होता है वो देंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।